प्रिय दर्शकों नमस्कार। हल्दी की गांठ से किया गया एक छोटा सा प्रयोग करवा सकता है आपके बच्चों का विवाह। यदि आपके बच्चों की शादी में लगातार देरी बनी हुई है, लगातार अड़चने आ रही हैं, बहुत ज़्यादा कोशिश करने के बावजूद भी शादी के लिए रिश्ता पक्का नहीं हो रहा है, तो 22 फरवरी 2024 के दिन 3 शुभ योग बन रहे हैं। पहला योग गुरु पुष्य योग, दूसरा योग सर्वार्थ सिद्धि योग और तीसरा योग अमृत सिद्धि योग। एक ही दिन में 3 शुभ योगों का बनना अपने आप में एक दुर्लभ योग बन जाता है। ऐसे दुर्लभ योग में यदि आप मेरे द्वारा बताया गया ये उपाय कर दोगे तो आपके बच्चों की शादी में चाहे कितनी भी बड़ी अड़चन क्यों ना हो तत्काल दूर हो जाएगी और जल्द से जल्द विवाह होने के योग बनेंगे। ये उपाय यदि बच्चे खुद करना चाहें तो खुद भी कर सकते हैं, लेकिन मुझे पता है आजकल के बच्चों के पास उपाय करने के लिए समय नहीं होता है, तो ऐसी सिचुएशन में माता पिता भी अपने बच्चों के शीघ्र विवाह के लिए ये उपाय कर सकते हैं। कई बार सिचुएशन क्या होती है, आपके बच्चे दिखने में भी सुंदर होते हैं, अच्छी खासी उनकी जॉब भी होती है, या फिर खुद का व्यापार उनका होता है, आपका बैकग्राउंड काफ़ी अच्छा है, प्रभु की कृपा से आपके पास सब कुछ है, लेकिन फिर भी शादी में लगातार विलंब होता रहता है। रिश्ते आएंगे, बातें चलेंगी, लेकिन कोई भी बात, कोई भी रिश्ता सफलता तक नहीं पहुंच पाएगा, बीच में ही ब्रेक हो जाएगा। और यदि कई बार रिश्ता पक्का हो भी जाए तो बिल्कुल अंत में जाकर बात बिगड़ जाएगी, कभी आपकी तरफ से ना हो जाएगी, कभी सामने से ना हो जाएगी, देखने वाले आएंगे, देखकर चले जाएंगे, लेकिन किसी भी प्रकार का पॉजिटिव रिप्लाई आपको मिल नहीं पाएगा। कुछ ऐसे रिश्ते आएंगे जो आपको पसंद नहीं है, जो आपके लेवल के नहीं हैं, तो आप अपनी तरफ से मना कर दोगे, और कुछ ऐसे रिश्ते जो आपको पसंद हैं, जो आपके लेवल के हैं, वो सामने से पक्का नहीं हो पाएगा। ऐसे में बच्चों की उम्र लगातार निकलती जाएगी। तो प्रिय दर्शकों, यदि इस प्रकार की सिचुएशन आपके साथ बनी हुई है तो ये वीडियो अंत तक जरूर देखना, और जो उपाय आज मैं आपको बताने वाला हूँ ये उपाय 22 फरवरी 2024 के दिन जरूर करना। उपाय बताऊँ इससे पहले आपसे निवेदन करना चाहूँगा, यदि आप चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मुझसे लगातार जुड़े रहने के लिए अभी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, ये बिल्कुल निःशुल्क होता है, इसमें आपका कोई भी खर्चा नहीं लगता है। आपको फायदा क्या होगा, जब आप इस वीडियो को दोबारा से देखना चाहोगे तो आपको आसानी से मिल जाएगी, तो इसलिए कहता हूं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। प्रिय दर्शकों, अब आप उपाय सुन लीजिए। पहले तो आप ये जान लीजिए ये उपाय आपने कब करना है। ये उपाय आपने 22 फरवरी 2024 के दिन सुबह से लेकर शाम तक किसी भी समय कर देना है। ये उपाय करने के लिए आपके पास क्या सामग्री होनी चाहिए इसको भी आप नोट कर लीजिए। एक हल्दी की गांठ आपके पास होनी चाहिए, साफ सुथरी हल्दी की गांठ। एक पीले रंग का कपड़ा, रुमाल के साइज का, वो आपके पास होना चाहिए। एक रेड कलर का स्केच आपके पास होना चाहिए। ये रेड कलर का स्केच क्या होता है, इसको लेकर मेरे पास बहुत ज़्यादा कमेंट आते हैं। बच्चे जिसके साथ रंगोली बनाते हैं, जिसको रंग भी बोला जाता है, यानी कि लाल रंग का पेन, लाल रंग का स्केच पेन, वो आपके पास होना चाहिए। और क्या होना चाहिए, थोड़ा सा इत्र आपके पास होना चाहिए। ये इत्र क्या होता है, हम परफ्यूम लगाते हैं, सेंट लगाते हैं, लेकिन भगवान को इत्र अर्पित किया जाता है, तो इत्र ये कहाँ से आपको मिलेगा, जहाँ से पूजा का सामान मिलता है वहाँ से आपको आसानी से मिल जाएगा। तो ये सामग्री आपके पास ये उपाय करने के लिए होनी चाहिए। प्रिय दर्शकों, जब भी आप ये उपाय करो, सुबह के समय करो या शाम के समय करो, तो उपाय करने से पहले आपको नहाना होगा। नहा धो करके साफ सुथरे कपड़े आपने पहन लेने हैं और आपके घर का जो पूजा मंदिर है वहाँ पर ये सारी सामग्री लेकर आपने बैठ जाना है। पूजा मंदिर में एक शुद्ध देसी घी का दीपक आपने जला लेना है और सबसे पहले गणपति जी महाराज का ध्यान करना है।
अपने बच्चों की जल्दी शादी के लिए आप ये उपाय कर रहे हैं, या फिर आप बच्चे खुद हैं अपनी जल्दी शादी के लिए ये उपाय कर रहे हैं, तो गणपति जी महाराज से प्रार्थना करनी है कि हे गणपति जी महाराज, इस उपाय में हमें सफलता दिलाना। ये उपाय करने से हमारी शादी हो जाए, ऐसा कोई चमत्कार करना। उसके बाद आपने इस हल्दी की गांठ को अपने हाथ में उठाना है और इसके ऊपर थोड़ा सा इत्र लगा लेना है। मैंने बोला था ना इत्र, तो इस हल्दी की गांठ पर थोड़ा सा इत्र आपने लगा लेना है। और उसके बाद जो लाल रंग का पेन, रेड कलर का जो स्केच पेन मैंने बताया था, उसकी सहायता से इस हल्दी की गांठ पर आपने शुभ विवाह लिख देना है। क्या लिखना है? शुभ विवाह। उसके बाद ये जो पीले रंग का कपड़ा मैंने आपको बताया था, इस पीले रंग के कपड़े को आपका जो पूजा मंदिर है उसमें आप बिछा दीजिए। यानी पीले रंग का कपड़ा कितना सा लेना है? रुमाल के साइज का, छोटा सा, रुमाल से भी छोटा आप ले सकते हो। तो इसको आप पूजा मंदिर में बिछा लीजिए और इस हल्दी की गांठ को इस पीले रंग के कपड़े पर रख दीजिए। उसके बाद आपने एक मंत्र का जाप करना है। मंत्र क्या है आप स्क्रीन पर देख लीजिए और इसका उच्चारण मैं कर देता हूं। ओम ग्राम ग्रीम ग्रोम सह गुरुवे नमः। एक बार और बोल देता हूं। ओम ग्राम ग्रीम ग्रोम सह गुरुवे नमः। इस मंत्र का जाप करना है 108 बार, यानी कि एक माला इस मंत्र की आपने निकालनी है। यदि इतना समय नहीं है तो फिर कम से कम 21 बार इस मंत्र का जाप जरूर करना है। मंत्र का जाप करने के बाद श्री विष्णु भगवान से हाथ जोड़ करके भाव से, हृदय से, बिल्कुल मन से आपने प्रार्थना करनी है अपने बच्चों की जल्दी शादी के लिए। यदि आप बच्चे खुद कर रहे हैं तो अपनी जल्दी शादी के लिए। प्रार्थना करने के बाद आपने ये जो हल्दी की गांठ है, इस हल्दी की गांठ को इस पीले रंग के कपड़े में लपेट लेना है, यानी कि इसकी पोटली टाइप में बना लेना है। और उसके बाद आपने इस हल्दी की गांठ को उठाना है और साथ में एक शुद्ध देसी घी का दीपक भी ले लेना है और चले जाना है। कहाँ चले जाना है? आपके आसपास कहीं पर भी केले का पेड़ हो वहां पर चले जाना है। प्रिय दर्शकों, कुछ माताएं बहनें ऐसी होती हैं जो अपने घर में ही केले का पेड़ लगाकर रखती हैं। यदि घर में ही आपके केले का पेड़ लगा हुआ है तो वहीं पर आप ये क्रिया कर सकते हो, और यदि घर में नहीं है तो कहीं बाहर आपके आसपास मंदिर में कहीं पर भी हो वहां आपने चले जाना है। जाकर के क्या करना है? केले का जो पेड़ है उसकी जड़ के पास से थोड़ी सी मिट्टी आपने खोदनी है, थोड़ी सी मिट्टी हटा करके, और इस हल्दी की गांठ को आपने जमीन में दबा देना है। यानी कि केले का जो पेड़ है उसकी जड़ है, उस जड़ के आसपास आपने इस हल्दी की गांठ को दबा देना है। जो पीले रंग का कपड़ा है वो ऐसे ही रहेगा, साथ में ही आपने दबाना है। और उसके बाद शुद्ध देसी घी का दीपक आपने जला देना है। जहां पर आपने ये हल्दी की गांठ दबाई है तो मिट्टी वापस से ढक देनी है, और उसी मिट्टी के ऊपर आपने इस दीपक को रखना है। आप मिट्टी का दीपक ले सकते हो, नो प्रॉब्लम। तो इस दीपक को उसी जगह पर रख करके आपने जला देना है और विष्णु भगवान से प्रार्थना करनी है अपनी जल्दी शादी के लिए, या फिर आप माता पिता हैं तो अपने बच्चों की जल्दी शादी के लिए श्री विष्णु भगवान से भाव से, हृदय से, मन से, श्रद्धा से प्रार्थना करनी है। यदि आप अपने बच्चों की जन्म कुंडली का विश्लेषण मुझसे करवाना चाहते हैं, बच्चों की शादी में लगातार देरी बनी हुई है, लगातार अड़चने आ रही हैं, उसका मुख्य कारण क्या बनता है ये आप मुझसे जानना चाहते हैं, शादी कब होगी, कहाँ होगी, कैसे परिवार में होगी, कौन सी दिशा में होगी, शादी के बाद का वैवाहिक जीवन कैसा रहने वाला है, ये सारी जानकारी यदि आप मुझसे लेना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए गए व्हाट्सएप नंबर के जरिए आप अपने बच्चों की जन्म डिटेल मेरे पास भेज सकते हैं और जन्म कुंडली का सटीक विश्लेषण मुझसे करवा सकते हैं। जन्म कुंडली विश्लेषण की हमारी फीस होती है, वो फीस आपको पे करनी होती है, उसके बाद आपको पूरी जानकारी दे दी जाती है। तो प्रिय दर्शकों, यदि कार्यक्रम आपको अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक करना, शेयर भी करना, ताकि पुण्य के भागीदार बन जाएं। और यदि अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मुझसे लगातार जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। आज के लिए बस इतना ही, आगे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।